मन बांधो चैन मना दीजे तोड़े अरे या नहीं टूटे जतर तेरी वीरता को आवे को ना वोड़े लेकिन ये कथा चल रही थी, ये तो सत्य बात है, यही कथा और यही सरबंदा था, यही प्रश्न था। तब एक आदमी बोलो बोलो मासी ये बताओ कि जो अभिमन्या को आशीर्वाद देकर के कुंती ने आया उसका हाथ के कंगन बहना था और उसने ये कहा था कि जब तक ये मेरा कंगन नहीं टूटेगा जब तक तेरी वीरता का ओढ़ नहीं आएगा। ये मासी थोड़ा सा ये बताना कि ये कंगन कहां से आया था। अर्जुन जी में तो ये एकदम बाठा गो है, ये बात सत्य है। और मैंने आपसे ये बात क्यों पूछी है, इसलिए पूछी है कि इसने चक्रव्यूह का किस्सा उठवाया है तो अब इन आईडे मालूम पड़ जाएगा कतनी तला सूखी जर कतरी तरह आली जाए। इस बात का सत्य प्रमाण है
कि ये जो जो कुंती थी इसका नाम जन्म से प्रथा था और ये सूरसेन की पुत्री थी और सूरसेन के एक नहीं छह कन्या थी जिनमें से जो राजा कुंतल बहुत था वो सूरसेन का मित्र था जिसने गोद दे दी थी जो कुंतल भोज के जाने से इसका नाम कुंती हुआ था। और कुंतल भोज के जाने के बाद समय बीत जाता है। एक दिन चल करके ऋषि दुर्वासा आता है और दुर्वासा जो मन की गति से भक्ति करने वाला था और या तो उसकी सेवा करो और या उसकी सेवा के अंदर कमी रह जाए तो श्राप दे दे सब क्या को सत्यानाश कर। एक दिन कुंतल भोज के जाता है। राजा कुंतल भोज कहता है कि महाराज क्या इच्छा है? बोलो यहाँ ठहर करके कुछ दिन सेवा भक्ति करूंगा, मेरी सेवा करना। अब राजा का घबरागो बोलो साला जी एक दिन भी कमी रहेगी तो यो तेरो बाप श्राप देगो और तेरो सत्यानाश। तब कुंती ने कि पिताजी घबराओ मत, इस ऋषि की सेवा मैं करूंगा। जब भरपूर ऋषि की सेवा की और भक्ति पूरी होने के बाद कुंती के ऊपर प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने एक नहीं दो वरदान दिए थे। दो वरदान दिए भक्तों, एक तो अस्सी करण नाम का मंत्र दिया था। अस्सी करण नाम का मंत्र दिया था कि तब भी कुंती गंगा स्नान करके और इस मंत्र का जाप करेगी और जिस देवता को तेरे मन में याद करेगी वही देवता तेरे पास में आकर के खड़ा होगा। और दूसरा ये मेरा मंत्र है जो मैं बता रहा था, ये कंगन दिया था कि कोई भी दुबला योद्धा होगा और उस दुबला योद्धा का हाथ के बांध करके तेरा आशीर्वाद देकर के रण में भेज देगी, तब तक ये मेरा कंगन हाथ से नहीं टूटेगा, तब तक उस योद्धा की पराजय नहीं हो। यही बात है अर्जुन जी, तब पोता का हाथ के कंगन बांध करके आशीर्वाद देती है कि बेटा जब तक ये कंगन नहीं तोड़ेगा और ये नहीं टूटेगा तेरी वीरता का उड़ नहीं आएगा। और वैसे भी बेटा चाहे मर बे मर जाए, लड़तो लड़तो मर जाएगा वहां सबर हो जाएगा, लेकिन पीठ दिखा करके रण से भाग करके और कोई ये कह देगा कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्या तो कायर निकला, फिर बोलो मेरे वाह बर्दाश्त हो जा वहेगी। ऐसा आशीर्वाद अपने पोता को देती है और पोता को देकर के जो ही अपनी माँ दादी कुंती का आशीर्वाद पाकर के चलता हुआ और रणवास की तरफ बढ़ता है तो तंबू से बाहर खड़ी माता सुभद्रा देख रही है। अपने पुत्र अभिमन्या को देख करके माँ सुभद्रा अति प्रसन्न होती है। माता सुभद्रा के पास में अभिमन्या जाता है, धोक प्रणाम करता है, बेटा तेरा रूप भक्तो या खैरा जग जाए तो कोई युद्ध में जा रहे हो? हाँ बोलो माता इसमें कोई बात है झूठी भी नहीं है, इस समय मैं पिता नहीं होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य के चक्कर भ्यू बींधने के लिए जा रहा हूं। हैं? बोले हाँ। अब माताजी थोड़ा सा तेरा भी आशीर्वाद मिल जाए। बोले बेटा मेरा आशीर्वाद तो यही है कि क्षत्रिय सूरवीर होता है जो रण को देख करके कभी डरता नहीं है और रण को देख करके जान गमा दे उसकी वीरता का बखान होते हैं और रण को देख करके पीठ दिखा देता है उसका कोई बखान नहीं होता है। बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तेरी जान चली जाए लेकिन तू मेरा दूध के बट्टो मना लगा दी। भक्तों यह सह सुन करके और तब अभिमन्या वहीं से माता का आशीर्वाद पाता है। और अब अर्जुन जी वही तुम्हारी बात आ गई कि छह खंड महाभारत तो ये कहता है कि जब बाहर खड़ी सुभद्रा और अभिमन्या को देख करके पीछा से अपनी दासी से पूछती है। एक महाभारत में लेख मिलता है कि सुभद्रा वापस से अभिमन्या को अपने पास में बुलाती है और जो सब्बल सिंह चौहान जो जयमिनी महाभारत है जिसमें साफ साफ लिख रखा है कि अभिमन्या का उत्तरा का कोई मिलाप नहीं हुआ। मैं भी आई खेरे जो मैं भी आए बोल रहे तू बोल रहे थे यही ये तो सुनने का ही बात है लेकिन फिर इसमें एक मीन में मेक हो जाता है कि भक्तों जिससे उत्तरा की शादी करके और अभिमन्यु चक्कर भी हूं गयो छो 30 दिन 6 महीना
पांडव बब्बे मन्ना और उत्तरा की शादी को हो गया था, छह महीना। और छह महीना के बाद में उत्तरा का और अभिमन्या का मिलाप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था उसका मिलाप कौन नहीं होने दिया, क्यों नहीं होने दिया? और फिर जब वण को मिलाप ना हुयो तो फिर अभिमन्यु तो चक्कर भी उम मारो जाएगो, फिर अभिमन्या का गर्ल से परिषद का जन्म कैसे हुआ? यह भी प्रमाण है। लेकिन भक्तों ये कोई तो अमर फल भी बता देते हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण का एक फल दिया हुआ था। जो कैसे दिया था कि इसलिए दिया था कि तेरा पति से मिलन नहीं हो और तेरा पति वीर है, क्षत्रिय है, अगर कोई रण में मारा भी जाए तो इस आम इस फल को इस्तेमाल करने से गर्भवती हो जाएगी और आने वाले समय के अंदर तेरे गर्भ से पुत्र का जन्म हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण की विचित्र माया थी। तब उत्तरा से मिलकर के और वहीं से आगे बढ़ता है अभिमन्या, जैसे अपने ताऊ के पास में जाता है, बोल भाई ले आयो कि सबको आशीर्वाद, हाँ बोलो ले आयो। तब अपने हाथ से उठा करके और जो रण में लड़ने का मुकुट अपना बेटा का सिर के ऊपर धरता है, कंधा में बाण जचाता है, हाथ में धनुष देता है और फिर कहता है कि बेटा अब तू चाल कर आगे आगे चक्कर भी उका दरवाजा खोल और मैं तेरे पीछे पीछे आवांगा। और जब सातवां दरवाजा के ऊपर आकर के मैं सेम और भीम समेत मिलकर के तेरी रक्षा करांगा। भक्तों चलते चलते और जब पहला दरवाजा के ऊपर पीछे पीछे चारू पांडव अर्जुन को छोड़ करके चारू पांडव और आगे आगे अभिमन्या जैसे पहला दरवाजा के ऊपर जाता है, पहला दरवाजा के ऊपर जब मोर्चा लेकर के युद्ध करने के लिए चंद्रराज जयद्रथ खड़ा हुआ था, चंद्रराज जयद्रथ जो कैरू और पांडव का बहनेऊ था, जो दत्रासनंदभूप के 100 पुत्र और एक पुत्री था और जिस पुत्री का नाम दुशाला था और वो दुशाला जयद्रथ को ब्याही थी। लेकिन पहला दरवाजा के ऊपर जयद्रथ का खड़ा होने का क्या काम था, क्यों खड़ा हुआ? पहला मोर्चा के ऊपर जो खड़ा होता जो सेनापति होता है, सेनापति तो गुरु द्रोणाचार्य था, फिर वो क्यों खड़ा था? वो भक्तों इसलिए खड़ा था कि जब पांडु वन में 12 साल का वनवास बिता रहा था, दुर्योधन के कहने से जयद्रथ पांचाली का हरण किया था और हरण करने के बाद में पांडु ने छुटाया और उनके सिर के ऊपर 5 चोटियां छोड़ करके छोड़ दिया, जिंदा जीवन दान दे करके। जयद्रथ ने बैठ करके भगवान शिव की भक्ति करी और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गया, मांगो जयद्रथ, बोलो 5 पांडु पर विजय, बोलो नहीं, एक अर्जुन को छोड़ करके और 4 पांडु के ऊपर कुछ एक समय के लिए तुम्हारी विजय हो जाएगी। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को यह पता था कि आज जयद्रथ को पहला दरवाजा के ऊपर खड़ा कर दिया जाए ताकि एक अभिमन्या से अलावा यो किसी को अंदर प्रवेश नहीं होने देगा, आज अवश्य जयद्रथ की विजय होगी। ये प्रमाण पहली दरवाजा के ऊपर खड़ा होना जयद्रथ का था। और जब सामना से अभिमन्या एक बालक अभिमन्या उत्तरा जो राजा बैराट की पुत्री को ब्याह करके लाया था, एक राजकुमार को देख करके और एक जयद्रथ बच्चा समझ करके खिलकी उड़ाता है और एक जयद्रथ हंस करके और एक अभिमन्या से कहता है, तो क्या कह रहा था अभिमन्या खड़ा खड़ा क्या सुन रहा था? चेहरो यहाँ घर जग तेर सो पण यार ये कमी रहेगी, हाँ बस्ती तो आशीर्वाद देवा तैयार है लेकिन ये कमी रहेगी, वह कमी आए रहेगी। अकापा कोई भी मकान की नींव लगाओ और इनकी नींव ऊपर दर ध्याना जरा मेरे सुनो आइया, अब या चौमा सो सो जाए जरा डगमगा जाए, अब थोड़ो सो कहीं रह गो
अगर तेरा चेहरा मोरा ने तेरा सिद्धांत देखता खैबा को मतलब सो बात आई मार दिया तेरा पैसा कम रहेगा। जनताया कहेगी कि यार आइए छे ना थोड़ा सो गए। हाँ जनता के गाडो मन में खिल जाए। हाँ देख ले अब तू। और ये हमारे देश दिनेश सरपंच प्रजापत के घराली है, ये कह रही है कि दिनेश तेरा नंबर आए तो तू फार्म लगा, मेरो लेडीजा को नंबर आओगे तो मैं लगाऊंगी। इसीलिए भक्तों ताली बजा करके दिनेश सरपंच का सम्मान किया जाए जो 2025 की तैयारी कर रहा है। सरपंच की तरफ से महाराज के मंदिर में 5100 रुपया भेंट होते हैं, ताली बजा करके सम्मान करें। सरपंच ज्यादा तो कोई ना ठीक से आमल भर ली गज कोई ना। हाँ